हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है रॉयल रुचि, और मैं हूँ रुचि, जहाँ मैं आपके साथ नेचुरल DIYs शेयर करती हूँ, रेमेडीज़ स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड। वेल, आज की जो वीडियो है वो हेयर ग्रोथ के ऊपर है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बालों को लंबा करें तो कैसे करें, कोई आसान सा और बहुत इजी सा, आसान और इजी एक ही होता है वैसे, हाँ बहुत आसान सा रेमेडी उनको चाहिए। ठीक है, तो पहले तो क्या लोग क्या करते हैं कि पहले अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं बालों को लंबा करने के लिए, फिर उन्हें नहीं समझ में आता, फिर वो दूसरों के तरीके से बालों को लंबा करने की कोशिश करते हैं, और अपने तरीके और दूसरों के तरीकों के चक्कर में उनके बाल जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और बाल और ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं तेज़ी से, फिर वो सही भी नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए क्या करें, तो देखिए अपने तरीके मत इस्तेमाल कीजिए और दूसरों के तरीके तब तक इस्तेमाल मत कीजिए जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि आपके बालों को वो चीज़ सूट कर रही है या नहीं, क्योंकि सभी के बालों की स्किन अलग होती है, सभी के बाल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए लाई हूँ बेहद आसान सी रेमेडी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लीन और ड्राई बोल लेना है और सबसे पहले इसमें ऐड करना है नींबू का रस 1 चम्मच। ठीक है, नींबू का रस आपको लेना है 1 चम्मच और इससे दुगुना यानी कि डबल चम्मच आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेना है यानी कि नारियल का तेल, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, बालों से जुड़ी हर समस्या को ये दूर कर देता है। 2 चम्मच आपको यहाँ पे नारियल का तेल लेना है जिसमें कि विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, बहुत लाइट वेटेड होता है और बहुत ही जल्दी आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाता है। इसके साथ आपको यहाँ पर लेना है सेम क्वांटिटी में जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। जैतून के तेल की 2 सबसे बड़ी खासियत है, सबसे पहली तो ये कि ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करती है और दूसरा ये कि ये आपके चेहरे को यानी कि त्वचा को बहुत ज़्यादा गोरा करती है। ठीक है, 2 चम्मच ऐड कर लिया, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, नींबू के रस में ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, जब ये मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा कि थोड़ा जेली टाइप का हो गया है, उस तरीके से होना चाहिए तभी आपका यहाँ पे ऑयल और नींबू का रस मिक्स हो गया है। अब आपको इसे अपने स्कैल्प में लगाएं और मसाज करें। नींबू का रस क्या काम करता है, देखिए नींबू का रस बहुत सारे लोग डरते हैं, इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं कि ये बालों को ड्राई कर देगा, ये बालों को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए किसी भी चीज़ को जब आप एक लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, 1 चम्मच ही केवल आपको यहाँ पर लेना है और लेमन में विटामिन सी भी होता है, आप भूल जाते हैं तो आपको याद दिला दूँ कि लेमन में विटामिन सी भी होता है जो कि आपके सफ़ेद बाल को तो काला बना ही देता है, साथ ही साथ आपके बालों में डैंड्रफ है, स्कैल्प में बहुत पसीने आ रहे हैं, पसीने की बदबू हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उसको दूर कर देते हैं। और साथ में ये जो दोनों ऑयल हमने ऐड किया है वो आपके बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाती है, आपके बालों में नेचुरल चमक को बढ़ाती है जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं और आप अपने बालों को खुला छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। आपको इसे हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बालों को लंबा करना है और हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करेंगे तो कैसे चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे मेरे बताए अनुसार तरीके से इस्तेमाल करती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट आपके बालों में नहीं होगा, बल्कि जो भी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आपके स्कैल्प में बालों में चल रही है ना
वो यहाँ पे सुधर जाएंगी जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। इसे हमेशा रात में लगाएं, अच्छे से मसाज करके छोड़ दें, सो जाएं, नेक्स्ट मॉर्निंग उठें और वॉश कर लें अपने बालों को। हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाएं, जितना हो सके अपने बालों में रहने दें, इसलिए रात में बता रही हूँ कि रात में लगाएं। रात में और सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, 4 से 5 घंटे, आप समझ लीजिए 6 से 7 घंटे मिल जाते हैं आपके बालों में इस ऑयल को रहने में। तो जितना ज़्यादा ये आपके बालों में रहेंगे उतना ज़्यादा असर आपके बालों में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे आप जब भी इस्तेमाल करें तभी इसे बनाएं और उतना ही बनाएं जितना आपके बालों की लेंथ हो, उतना बनाएं, इसे कंप्लीट इस्तेमाल करें अपने बालों में। इसे बना करके आपको नहीं रखना है क्योंकि इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आपको इस्तेमाल करना है। तो अपने बालों को नेचुरली लंबा करने के लिए इस ऑयल का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें अपने बालों में। आशा करती हूँ आज की ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहे। कैसी लगी आपको आज की ये रेमेडी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस रेमेडी को शेयर भी कीजिए और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।